रहस्यों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि रहस्य कितना भारी बोझा हो सकते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम जिए ईमानदारी से, अपने साथ ईमानदार रहें, परमेश्वर के साथ और अन्य लोगों के साथ भी। इफिसियों अध्याय 4:15 आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, उसे बताने में मेरी मदद करें। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में सच बोलते हुए, सच्चा व्यवहार करते और जीवन जीते हुए, सब बातों में उसे जो सिर है अर्थात मसीह मसीहा अभिषेकित में बढ़ते जाएं, यानी सत्य के बगैर हम बढ़ नहीं सकते। वे परमेश्वर के वचन का सत्य है जिसे कबूल करके, विश्वास करके अपने जीवन पर लागू करने से ही हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे रहस्यों के साथ जीते हैं जो उन्हें बनाता है बीमार, हताश और संबंधों में पूर्ण असंतुलित। चलिए कुछ संभावित उदाहरणों का परिदृश्य देखते हैं। शायद किसी जवान लड़की ने 16 वर्ष की उम्र में गर्भपात करवाया था, पर उसने किसी को बताया नहीं था। वे अब कोशिश कर रही है संबंध बनाने और विवाह करने की, परंतु उसके दिल में डर है कि यह रहस्य पता चल जाएगा। वो किसी को बोलना नहीं चाहती क्योंकि वो उसके लिए शर्मिंदा है जो उसने किया था। शायद कोई स्त्री पहले अपने जीवन में वेश्या थी, उसने किसी को यह नहीं बताया था, पर अब शायद 40-50 वर्ष की है और उसने किसी को बताया नहीं था क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे आंकेंगे। शायद की किशोर अवस्था में भी मां बनी थी और उसे बच्चे को गोद देना सबसे बढ़िया उपाय लगा था, और अब वो विवाहित है और उसके 3 बच्चे हैं और उसने कभी बताया नहीं है। अपने परिवार के घनिष्ठ लोगों को भी मैं आपको बता सकती हूँ कि वे रहस्य डर पैदा करता है उनके जीवनों में। मेरे पिता कई वर्षों तक नियमित रूप से मेरा यौन शोषण करते रहे जब मैं एक बच्ची थी, और वे हमेशा मुझसे किसी से ये नहीं बताने को कहते थे। वे मुझे कहते थे कि उसमें कुछ गलत नहीं था, पर मुझे किसी को बताने से मना किया करते थे, जो 2 विरोधी बातें हैं। परंतु मैंने किसी को बताया नहीं जब तक मैं 20 के दशक में नहीं आई, क्योंकि मुझे किसी को बताते हुए शर्माती थी कि लोग समझेंगे कि मैं बुरी मनुष्य थी, या ये कि वे सोचेंगे कि शायद मैं बर्बाद हो गई थी या इस्तेमाल की हुई चीज थी। और मुझे याद है डेव के साथ मेरे विवाह को केवल 3 सप्ताह हुए थे कि उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तुम्हारी क्या समस्या है, क्यों मैं बहुत असामान्य थी संबंधों में। जब मैंने अपने पिता का घर छोड़ा तब मैंने सोचा था कि मैं समस्या से दूर आ गई हूं, पर मैं उसके कई वर्षों बाद तक नहीं समझी कि मैं समस्या को अपने साथ लेकर आई हूं। उसके साथ निपटना जरूरी था, मैं उसे कहीं बंद करके उससे दूर नहीं जा सकती थी, मुझे कई बातों से निपटना था। मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आया, पर परमेश्वर भले हैं और वे अपने समय पर हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करते हैं, और वे ऐसे तरीके से उन चीजों से निपटना सिखाते हैं जो हमारे जीवन में चंगाई लाता है बर्बादी की बजाय। मेरे जीवन में एक समय था, और मैं जानती थी आपके लिए यह विश्वास करना कठिन होगा वो देखकर जो मैं आप करती हूं, पर मेरे जीवन में एक समय था जब मैंने एक कंपनी से पैसे चुराए जिसके लिए मैं काम करती थी। मैं एक पुरुष से विवाहित थी जो एक छोटा मोटा चोर था, और उसने मुझे चोरी करना सिखाया। और वर्षों बाद जब पवित्र आत्मा ने मुझे गहराई से छुआ और परमेश्वर ने मुझे बुलाया सेवकाई के लिए, उन्होंने मेरे साथ उस पैसों के बारे में निपटना आरंभ किया जो मैंने चुराए थे। उन्होंने मुझे कहना आरंभ किया कि मुझे उस कंपनी में लौट कर जाना और कबूल करना है कि मैंने पैसे चुराए। उन्हें लौट आना था, इसका मतलब था कि मुझे अपने पति को बताना था। सो मैंने डेव को बताया, और निसंदेह डेव दयालु थे और स्नेहशील थे, और वे मेरे साथ सहमत थे कि मुझे परमेश्वर की बात माननी चाहिए, पैसे लौटाने चाहिए। और मैं नहीं जानती थी ये कि संभव है कि मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं नहीं जानती थी कि क्या होगा, मैं इतना जानती थी कि मैं आगे बढ़ सकती थी जब तक वे रहस्य रहता मेरे जीवन में। मैं आपसे नहीं कह रही कि आपको जाकर वही काम करना चाहिए जो मैंने किया था, पर मैं आपको ये बता रही हूं कि आपको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना चाहिए, और चाहे जिस भी कारण से
मुझे जाकर उसे निपटना था वह ऐसी बात थी जिसे सुधारा जा सकता था। कई बार हम उसे सुधार नहीं सकते जो हमने किया होता है, परंतु वह ऐसी चीज थी जिसे मैं सुधार सकती थी, और वास्तव में वह ऐसी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं लोगों के सामने खड़े होकर इन्हें बताऊं कि उन्हें सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। जब मेरे दिल में यह रहस्य दबा था, मैं ये भी कर सकती थी। वे बहुत पुरानी बात है, मुझे अब उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सब यीशु के लहू से ढका था और वे सब सच था। वे क्षमा हो गया था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने मुझे उससे निपटने के लिए कहा। मैं पक्का नहीं जानती, शायद वैसा न करने पर मैं आज यहाँ न होती। बहुत बार जब परमेश्वर हमसे ऐसी बातों से निपटना कहते हैं कि हम कोशिश करें, तब हमें करना चाहिए, पर उनसे निपटने का भय हमें रोकता है आगे जाने से। सो मैं लौट कर उस कंपनी में गई और कहा, आपको बहुत वर्ष पहले की बात याद है, उस वक्त मैं आपके यहाँ काम करती थी। मैंने कुछ पैसे चोरी किए थे, किसी ने वेतन के चेक बनाकर उन्हें नकदी में भुनाया था, और हाँ हाँ वो मैं थी। मैंने कहा, अब मैं एक मसीह हूँ और ये एक यहूदी कंपनी थी, इसलिए मैं ये भी नहीं जानती कि वे कैसे समझेंगे या उन्हें मेरी परिस्थितियों के कारण हमदर्दी होगी। परंतु मैंने कहा, मैं मसीह हूँ और परमेश्वर मुझसे सचमुच निपट रहे हैं कि मैं अपनी गलती में सुधार लाऊं और आपको ये बात बता दूं, इसलिए मैं ये पैसे देने आई हूँ। मुझे अब बहुत अच्छा लगा। कितने जानते हैं कि हमें अच्छा अनुभव होता है जब हम चीजों के साथ निपटते हैं। वे करना कठिन था, परेशानी में डालने वाला था, पर वे एक अच्छा काम था जो मैंने किया था। कई बार सत्य का सामना करना कठिन होता है, पर वो अच्छा होता है। ये थोड़ा दिलचस्प है ना कि एक भूतपूर्व चोरनी आपके सामने प्रचार कर रही है। ये दिलचस्प है कि परमेश्वर किसे इस्तेमाल करते हैं। वे दुनिया के कमजोर और मूर्खों को इस्तेमाल करते हैं। बुद्धिमानों को चकित करने के लिए दिल खोलकर परमेश्वर की स्तुति करिए। आइए देखिए भजन 90:8। तूने हमारे अधर्म के कामों को, अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को, जिन्हें हम अपने से भी छिपाना पसंद करेंगे, अपने मुख की ज्योति में रखा है। देखिए कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम अपने अंदर दफन करते हैं, और हम उन्हें इतनी गहराई में दफन करते हैं कि हम उनकी ओर देखना भी नहीं चाहते और न सोचना चाहते हैं। वे ऐसा कुछ हो सकता है जो बहुत पहले हुआ था और अब सचमुच उसे भूल गए हैं, पर यदि परमेश्वर उसे याद दिलाए। मैं नहीं समझती कि हमें बातें ढूंढने के लिए खुदाई अभियान चलाना चाहिए, पर यदि परमेश्वर याद कराएं, यदि परमेश्वर कुछ याद कराएं, तो आपको जाकर किसी से क्षमा मांगनी चाहिए अपने पुराने दुर्व्यवहार के कारण। मुझे परवाह नहीं यदि वे 10 वर्ष पुराना हो, पर आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ निपट रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा पवित्र आत्मा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं सुनेंगे उससे हमारी समस्याएं बढ़ेंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहाँ बैठे इतने लोगों में इस वक्त कुछ लोग हैं जिनमें से सीधे मैं बात कर रही हूँ, और परमेश्वर ने आपसे कुछ बातों के साथ निपटने को कहा है, और आप फिर और फिर से उसी पहाड़ के आसपास जाते रहते हैं, उसे टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिस्थितियां बेहतर नहीं बनेंगी जब तक आप निपटेंगे नहीं। मैं देख सकती हूँ कि आप में से कुछ थोड़े उत्साहित हैं। बातों को बाहर निकालना, उन्हें अपने जीव में से निकालना कठिन हो सकता है, पर हमें वो स्वतंत्र करता है। वो कर पाना बहुत प्रशंसनीय है। मुझे याद है रूस में जाना और सेवकाई करना बहुत बहुत वर्ष पहले, और मैंने अपना शोषण किए जाने की कहानी बताई, और अंत में मैंने उन लोगों को सामने आने को कहा जिनका शोषण हुआ था, ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकती। देव और मैं अभी भी कभी कभार बात करते हैं उस कतार के कुछ लोगों के बारे में। उनमें से 80 वर्षीय महिलाएं थीं जिनका उनके बचपन में यौन शोषण हुआ था, और उन्होंने जीवन भर किसी से नहीं कहा था जब तक मैंने उन्हें आने को नहीं कहा, और आगे आने का वे कदम उठाकर वे मान रही थी, हाँ ये मेरे साथ हुआ था। वे फूट फूट कर रोती जा रही थी और हम उन्हें शुद्ध होता देखते जा रहे थे। वे मुक्ति जो मिल रही थी उन्हें जीवों को, जब वे उसे बाहर जाने की योग्य हुई, और ये देखकर कि उन्हें अभी भी बिना शर्तों का प्रेम प्राप्त था। सत्य एक बहुत शक्तिशाली चीज है, और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। उनका काम है हमारा मार्गदर्शन करना हर सत्य की ओर, और हमें सत्य पूर्वक जीना सिखाना, सच्चा व्यवहार करना सिखाना, और नैतिक बनना, निष्कपट और ईमानदार रहना।
सब चीजों के बारे में कोई व्यक्तिगत रूप में मेरी सबसे अधिक प्रशंसा कर सकता है। वो कह कर कि जॉस वैसे जीती है जैसे वे प्रचार करती है। वो एक दिन एक तरह की और अगले दिन भिन्न नहीं होती। दुनिया को और आवश्यकता नहीं है झूठे धर्म की और झूठे मसीहों की जो बातें करते हैं परंतु अमल नहीं करते। याकूब 5:16। मेरे विचार से यह ऐसा वचन है जिसे गिरजे ने भुला दिया है। मुझे शायद इसका कारण पता है। मैं नहीं जानती कि इस भूल को पूर्णता सुधारा जा सकता है परंतु इसके बावजूद भी इसमें एक सिद्धांत है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों की बात मान लो, अपनी भूलों, गलत कदमों, अपने अपराधों, अपने गुनाहों की, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करो जिससे चंगे हो जाओ, मन और दिल की शैली आत्मिक हो जाए। धर्मी जन की निरंतर निष्कपट प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, सक्रियता से काम करती है। ये वचन हमें बताता है कि एक सही समय होता है न केवल परमेश्वर के सामने अपने पापों का इकरार करने का बल्कि उन्हें सामने लाने का किसी और भाई या बहन के, और ये कि उसमें चंगाई मिलती है। मेरे विचार से इसके गायब होने के कारणों में से एक यह है कि ऐसे विश्वसनीय लोगों को ढूंढना कठिन है जो आपके रहस्य खोलेंगे नहीं, और अफसोस की बात है। ऐसे लोगों को ढूंढना कठिन है जिन्हें आप खोलकर बता सकते हैं और वे आपके दिल की बात सुनते हैं, आपके सामने कोई प्रचार करने की कोशिश नहीं करते। मसीह सुनने और समझने में बहुत माहिर नहीं होते। हम ऐसा सोचते हैं हमें उसे हल करना चाहिए और हम सबके सामने प्रचार करना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी इतना क्रोधित नहीं करता जितना ये कि जब मैं किसी को विश्वास करके कुछ बताती हूँ, अपने जीवन की कोई बात, और वे केवल पलटकर मुझे मेरा ही कोई संदेश सुनाने लगते हैं। धन्यवाद, मैं ये पहले से जानती हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये सब जानती हूँ। ये दुखद है, पर बहुत मामलों में हम दूसरों के साथ वैसा संबंध बनाने की कोशिश छोड़ देते हैं लोगों के उससे निपटने के तरीके के कारण। अब मेरा अपने बच्चों के साथ अच्छा संबंध है और मेरी छोटी बेटी मुझे बहुत सी बातें बताती है, और ये बिल्कुल सत्य है कि वो तब भी बताती है जब वो अपने घर के एकांत में क्रोधित होती है, जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चलता था। अक्सर एक सप्ताह भी नहीं गुजरा होता और वो मुझे उसके बारे में बता देती है। मेरे विचार से ये एक अच्छा स्वस्थ संबंध है। अच्छा होता है यदि हमारा कोई साथी हो जिसे हम जवाब दे हो, जिसके साथ हमारा वैसा खुलापन संबंध हो। मैं नहीं सोचती कि हमें लोगों के सामने अपने दोषों को इकरार करने के लिए रखना चाहिए। हमें अपने पाप क्षमा करवाने चाहिए परमेश्वर के पास जाकर। पर एक समय होता है जब सचमुच अच्छा होता है, विशेष रूप से यदि आपके जीवन में किसी चीज ने गढ़ बना लिया होता है। मुझे याद है एक बार एक नौजवान मेरे पास आया, वो बहुत यात्रा करता था, और उसने कहा मुझे किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं, मैं आशा कर रहा हूँ कि यदि मैं उसे खुले में लाऊंगा तो शायद उसका मुझ पर नियंत्रण नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं रहस्यों में शक्ति होती है। हम जितना किसी चीज को छिपाते हैं उसे उतना बल मिलता है, परंतु जिस पल हम किसी अंधियारे को प्रकाश में लाते हैं प्रकाश उसे हराने लगता है। उसने कहा यात्रा के दौरान मैं अपने को एकाकी पाता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं होती, और मैंने पाया है कि मुझे कामुकता भरे विचार आते हैं और मैं दूसरी औरतों की ओर आकर्षित होता हूँ। उसने कहा जॉयस मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि मैं सेवकाई में होकर किसी तरह का पाप करूं, क्या आप मेरे दिल के लिए प्रार्थना करेंगी। मुझे कुछ महीनों बाद उससे ये पूछना याद है। उसने बताया सच कहूं आपसे उसके बारे में बात करने के बाद मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे सचमुच विश्वास है कि बहुत बार वे शैतान होता है जो हमारे साथ ऐसा करता है। वे हमें ऐसी स्थिति में लाता है जहां महसूस करते हैं कि हम बहुत बुरे, घटिया और भयानक इंसान हैं, और हम किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहता हम सोचे कि हमें कभी उसके साथ समस्या हो सकती है। क्या कोई यहां मुझे सुन रहा है? सो हम अपने रहस्यों के साथ जीते हैं और उनसे छिपते रहते हैं, और वे केवल दिन प्रतिदिन शैतान को और शक्ति देता है। क्या आप रहस्यों को छिपा रहे हैं जो आपके जीव में सड़ रहे हैं और अब आपको बीमार कर रहे हैं? क्या कल आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके साथ आप ठीक से निपटे नहीं थे? मैंने एक ये बात सीखी है कि यदि मैं आज बुरे मिजाज में हूं तो संभव है उसका कारण वे जो कल हुआ था। ऐसा कुछ जो कल हुआ था जिसे मैंने ध्यान नहीं दिया था और मुझे वे याद भी नहीं है, परंतु मैं उससे ठीक से निपटी नहीं थी और अब मुझे वे परेशान कर रहा है।
मुझे याद है एक रात में सो नहीं पा रही थी और सामान्यतः मैं अच्छी तरह सोती हूँ। सुबह के लगभग 4-5 बज गए थे और मैं अभी भी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। मैं नहीं जानती थी मुझे पहले ये क्यों नहीं सूझा, मुझे थोड़ा अधिक सोने को मिला होता। पर आखिरकार लगभग 5 बजे मैंने कहा, परमेश्वर ये क्या हो रहा है। दरअसल वो परमेश्वर का आत्मा था जो मुझे परेशान कर रहा था और वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैंने जैसे ही परमेश्वर से कहा कि मुझे बताया है वो क्या था, उन्होंने मुझे कुछ बताया जो मैंने एक दिन पहले किया था जिससे किसी को ठेस पहुंची थी और वो बहुत शीघ्रता से हुआ। उसका कारण था मेरा बिना सोचे समझे बोलना। बहुत बार जब हम ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों को ठेस पहुंचती है, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते जैसे हमें लेनी चाहिए। हम उस पर पर्दा डालना और आगे बढ़ना चाहते हैं। आज मेरा दिन बहुत बुरा गया, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, न ऐसा व्यवहार करने दूंगा। परमेश्वर के लिए लोगों के साथ हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से नाराज होते हैं और मुझे विश्वास है कि जब वे नाराज होते हैं तो वैसा नहीं करते जैसा हम करते हैं, परंतु बाइबल में जरूर लिखा है कि हम पवित्र आत्मा को नाराज कर सकते हैं, उदास करके खिजा सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। मेरे विचार से परमेश्वर सचमुच नाराज होते हैं जब हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं और परवाह नहीं करते और उसके बाद अपने को मसीह कहते हैं और बम्पर स्टिकर लगाते हैं और मसीही आभूषण पहनते हैं और मसीह शैली में बात करते हैं, पर फिर भी हम सोचते हैं कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना और उन्हें ठेस पहुंचाना ठीक है, और हम पश्चाताप करने की कोशिश भी नहीं करते और कई बार जान भी नहीं पाते कि हम वैसा कर रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने उस रात मुझे सोने नहीं दिया। उसके अगले दिन मैंने अपनी वो गलती सुधार ली। मैं उस बात को भुलाने की बजाय उस व्यक्ति से क्षमा मांगना पसंद करूंगी, चाहे उन्होंने उस बात की ओर ध्यान न दिया हो जो मैंने कही थी। कल शायद आप दुखी या निराश थे और आप उसे निपटे नहीं थे। शायद आपको बुरी खबर मिली थी, किसी ने शायद आपको नाराज किया था और आप ठीक तरह से उससे निपटे नहीं थे। शायद आपकी कोई बहस नहीं हुई थी जिसका कोई हल नहीं निकला था। मैं सोचती हूँ कि हम मसीह बहुत बार अपने विश्वास से भरे मनुष्य बनने की इच्छा के कारण कई बार बातों को बिगाड़ देते हैं, उन्हें ढक देते हैं, असल में उनके साथ निपटने की बजाय। बहुत बार हमें आवश्यकता होती है परमेश्वर के साथ उसके बारे में खुलकर ईमानदारी से बात करने की जो हमें परेशान करती है, हमें दुखी करती है। क्योंकि जैसे हम आरंभ करते हैं किसी चीज के बारे में बोलना और इकरार करना, हम उससे खुले मिलाते हैं और जब ये खुले में आता है तो उसका आपस से नियंत्रण हट जाता है। हम अक्सर ये कहने में माहिर होते हैं, सब ठीक ठाक है प्रभु की स्तुति हो, मैं ठीक हूं प्रभु की स्तुति हो। ये कहना कहीं बेहतर है, सच को परमेश्वर इससे मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ है, परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे शक्ति दे ताकि मैं उस व्यक्ति के साथ उसे भिन्न व्यवहार न करूं जैसा मैंने करना था। यदि ये न हुआ होता, यदि हम उस ओर ध्यान नहीं देते और परमेश्वर को बताते नहीं कि हमें कैसा अनुभव होता है, तब हमारे विचार से लगातार हम दुखी रहते हैं, असंतुलित और समस्याओं से ग्रस्त लोग परामर्श के लिए जाते हैं केवल इसलिए कि किसी से बात कर सके। और परामर्शदाता का सबसे बड़ा काम होता है उस व्यक्ति से इतनी गहराई से बात करवाना ताकि वे जड़ तक पहुंच सके उसकी समस्या के। यदि आपको परामर्श की आवश्यकता हो तो आपको वो लेना चाहिए, पर मैं नहीं सोचती कि लोगों को अपना सारा जीवन परामर्श में बिताना चाहिए। हमारे पास है पवित्र आत्मा, हमारे परामर्शदाता। यदि आपके पास पैसे नहीं है परामर्श के लिए, आप तभी परामर्श ले सकते हैं परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा से जो हम में रहते हैं। आप किसी ऐसे के साथ रहना चाहते हैं जो आपको सत्य समझाना चाहे, वो है पवित्र आत्मा। आमीन। मैं ये बात इसी प्रकार शेखी भगाने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं केवल कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने जाकर किसी से परामर्श नहीं लिया था और मुझे एक दो नई अनगिनत समस्याएं थी। पहले तो मेरे पास उनके लिए पैसे नहीं थे, पर जैसे जैसे साल बीते परमेश्वर मेरे साथ हर समस्या के बारे में निपटे और उन्होंने मुझे स्वतंत्र किया। और वो केवल सत्य है जो आपको भी स्वतंत्र करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन। हमारा परिवार सचमुच बड़ा है और मेरे विचार से बातचीत के द्वारा हल निकालने में माहिर। एक बात जिसके लिए मुझे अपने पूरे परिवार पर गर्व है, यह है कि कोई भी बहुत देर क्रोधित नहीं रहता।
हम बात कर लेते हैं, उससे निपट लेते हैं। हमें ये ज्ञान है कि हम गुप्त में क्रोध करके यीशु के नाम पर सेवकाई की कोशिश नहीं कर सकते। मेरे विचार से ये बड़ी समस्या है। मसीहियों में हम गिरजे जाते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर कहते हैं, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, और अपने घर के एकांत में सभी लोग क्रोधित होते हैं, लड़ते हैं और उनमें अनबन और कड़वाहट और क्रोध होता है। और ये काम नहीं करता, ये बिल्कुल काम नहीं करता। प्रार्थना में केवल तभी शक्ति होती है जब लोग सहमति से रहते हैं। ऐसा नहीं कि वे निर्णय लेते हैं कि उन्हें एक चमत्कार चाहिए और वे उस एक चमत्कार के बारे में सहमत हो, जब बाकी का समय वे लड़ते हैं। हमारे दोनों बेटे हमारे लिए काम करते हैं, हमारा बड़ा बेटा डेविड और हमारा छोटा बेटा डैन, और वे सेवकाई के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करते हैं। उन दोनों के काम करने के और समस्याओं से निपटने के तरीके बहुत अलग हैं। कई बार उन्हें बैठकर बातें स्पष्ट करनी पड़ती हैं। वे हमारे काम करते हैं और इसलिए कई बार ये बहुत कठिन होता है जब आपके माता पिता आपके बॉस होते हैं, इसीलिए हमें भी बातें स्पष्ट करनी पड़ती हैं कभी कभार। मेरे दोनों दामाद और एक बहू हमारे लिए काम करती हैं। एक परिवार के तौर पर हमें खुलकर बात करनी चाहिए और बातों को दबा कर नहीं रखनी चाहिए, न उनसे निपटने से बचना चाहिए। बात करना अच्छा होता है, उन लोगों के लिए भी जिन्हें बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ बहुत कठिन होता है। औरतों को बोलने में महारत मिली होती है और तो उसके बारे में बोलते रहना चाहती हैं और पुरुष उन्हें देखते रहते हैं। पर भाइयों, आपको भी कभी कभार थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए और बोलना चाहिए। आपको चाहे उसकी आवश्यकता ना हो, आपकी पत्नी को हो। अच्छा, तो बहनों मेरी मदद करो। सो हमारा परिवार समस्याओं के बारे में बात करता है, और यदि मुझे महसूस होता है कि मेरे और मेरे साथ नजदीकी से काम करने वाले लोगों के बीच कोई बात है तो हम बात करते हैं। मैं ये बातें नहीं चाहती कि रहस्य छिपाया जाए, रुख बुरा हो, सब ऐसा व्यवहार करते हुए मानो सब ठीक है घूमते रहें। दाऊद परमेश्वर के साथ बहुत ईमानदार था, और मैं मानती हूं कि परमेश्वर मुख्य व्यक्ति है जिसके साथ हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। हमें हमेशा और सभी के सामने अपने रहस्यों को उजागर नहीं करना है। मैं आपसे सच कहती हूं, दरअसल किसी और को हर चीज के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में न जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे उन पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा, उन्हें शायद ये अच्छा न। दरअसल ये कहना बहुत अच्छा नहीं है कि मैं जब भी आपसे मिलता हूं मेरी आपको गुस्सा मारने की इच्छा होती है, ठीक है ना? कई लोगों ने मुझसे कहा कि जॉस, जब मैं आपसे पहली बार मिला तो आपको सहन कर पाना बहुत मुश्किल था, परंतु अब आपको जानने के बाद आपसे प्रेम करता हूं। लोग अक्सर आकर कहते हैं, मैं चाहता हूं आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको सहन नहीं कर पाता था, मैं सोचता था अब तुम अपनी समस्या हम पर थोप रही हो, अब मैं समझ गया हूं। इसलिए हमें थोड़ी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा मतलब, आप जानते हैं कि हमें कुछ बातें बताने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बाइबल में लिखा है कि प्रेम में सत्य बोलो। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप सभा से बाहर भागे और घर जाकर हमें बैठ, क्योंकि जॉस ने मुझे ये कहा है, पर मैं चाहती हूं आप आरंभ करें पहले से अधिक और पूरी तरह परमेश्वर के साथ हर चीज के बारे में ईमानदार बनना। ध्यान दीजिए कि किसी और के बारे में, क्या तुमने सुना, मुझे बताओ ना। रहस्य कई बार हमारे जीवन में बड़ा बोझ हो सकते हैं। बाइबल के अनुसार जब हम सत्य को जानेंगे तब सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और रोज आपके लिए वचन पेश करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का वचन है जिससे जीवन बदला है मेरा, और मुझे विश्वास है कि आपका भी बदलेगा। मुझे विश्वास है कि आप वे मनुष्य हैं जो बढ़ना और बदलना चाहते हैं, वरना आप मेरा प्रोग्राम नहीं देख रहे होते। आपका बाकी का दिन अच्छा बीते, परमेश्वर का अनुग्रह हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी, और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।